नारायण जैसा कि मैंने पहले भी सूचित किया और ये सूचना पुनर एक बार स्वामी जी मंच पर पधारने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया मंच का कार्यक्रम YouTube चैनल पर लाइव कुछ ही मिनटों बाद लाइव हो चुका है। स्वामी जी समय पर पधार भी जाएंगे। मैंने पहले सूचित किया था आपको कि मंगलाचरण, इसके बाद भजन कीर्तन, फिर स्वामी जी का व्यासपीठ पर विराजमान होना और फिर पुराण पूजन, व्यासपीठ पूजन, रमानाचार्य एवं पंडित श्याम सुंदर जी के द्वारा, इसके बाद विशिष्ट अतिथियों द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम और आज जैसी की सूचना मंच को प्रदान कराई गई है उसमें मैंने आपसे बताया दया सिंधु मिसिर जो ग्रामीण बैंक के प्रबंधक थे सेवा मुक्त हो चुके हैं, माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल हैं। श्याम नंदन ओझा सेवा मुक्त प्राचार्य हैं, जिला परिषद भाग संख्या एक के उम्मीदवार भी हैं। श्री धनंजय मिश्र जी जो प्रसंडा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हैं। श्री मनोज सिंह जी विगत में अभी तत्काल जो स्वामी जी ने विशुनपुरा में यज्ञ कराया था उस यज्ञ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, अखिलेश सिंह जी जो उस यज्ञ के सचिव थे, पंकज सिंह जी कोषाध्यक्ष थे, वीरेंद्र सिंह यज्ञ के उपाध्यक्ष, पप्पू सिंह जी यज्ञ के निष्ठावान कार्यकर्ता, ये स्वामी जी के पंडाल में उपस्थित हैं। कृपया मैं आग्रह करूंगा कि वे प्रवचन पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। भोला तिवारी जी जो रमदतही से पधारे हैं वो उनको भी मैं निवेदन करता हूं कि प्रवचन पंडाल में आएंगे। स्वामी जी मंच पर जे वहीं उनका पदार्पण होगा, जे वहीं पधारेंगे ये सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि इस YouTube पर इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है, श्री विजय बिना गैप के, श्री विजय SHRIVIJAY बिना गैप के लिखेंगे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को दबाकर क्लिक करेंगे, अनवरत लाइव प्रवचन स्वामी जी का सुन पाएंगे। ऐसे भी मैंने सूचना आपको दी थी। शुभार्थी चैनल से आप ये स्वामी जी का प्रवचन सुन पा रहे हैं। पुनर एक बार निवेदन, भरवली और भरवली आसपास सरना, डुमरिया, सहजौली, महरजा आदि गांव के लोग प्रवचन पंडाल में आते हैं कथा सुनने के लिए, दैनिक आते हैं। आज आधा घंटा पहले प्रवचन का कार्यक्रम है, इसलिए विशेष निवेदन कि आप प्रवचन पंडाल में अति शीघ्र स्थान ग्रहण कर लें। स्वामी जी कभी भी मंच पर पधारने वाले हैं। ये संपूर्ण कार्यक्रम अब लाइव हो चुका है यूट्यूब शुभार्थी चैनल पर लाइव चल रहा है। इसके लिए आप सबसे निवेदन कि आप भारी संख्या में आवें और इस प्रवचन गंगा में गोता लगावें और इसे लाभ हो सकता है। ये आपको बहुत सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। इस गोता से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी सदगति गति बनने वाली है। और इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनर एक बार एक भजन। राधे श्री राधे। आहा, 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 आहा,
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, प्रेम की लड़ी अड़ी दृगदाना, प्रेम की लड़ी अड़ी दृगदाना, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ो मोती सी बिखर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई। पल पल अब पल पलक तरत नहीं टारे, अब पल पलक तरत नहीं टारे, जिन छोरत जिन जान निकर गई, जिन छोरत जिन जान निकर गई, अब पल पलक पलत नहीं टारे, अब पल पलक तरत नहीं टारे, जिन छोरत जिन जान निकर गई, जिन छोरत जिन जान निकर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, घायल करके जिगर में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, घायल कर
करके घर में उतर गई, घायल करके घर में उतर गई। कटारी बारी 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 छुई छतिया से उतर गई, नैनो की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, घायल करके जिगर में 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 उतर गई। नारायण नारायण, आप सभी लोगों से निवेदन, अविलंब प्रवचन पंडाल में पधारने का कष्ट करें। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, 1:30 से शुभारती चैनल से ये पूरा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है और ये शुरू भी हो चुका है। स्वामी जी कभी भी मंच पर विराजमान हो जाएंगे और जिन जिन कार्यक्रमों की घोषणा मंच से मैंने किया है उसको मंच की आचार संहिता के तहत मंच के शासन अनुशासन के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद स्वामी जी का प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। योन्तः प्रवीश्च मम वाच मीमां प्रसुप्तां सजीव यत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादिन प्रणन्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीत दाभात पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वामी जी के आने तक एक भजन। राधे सुधे राधे। कृष्ण कहने से तर जाएगा
और भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गुजर जाएगा होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नारायण, मैं प्रतीक्षा स्वामी जी की कर रहा हूं। ये पूरा कार्यक्रम YouTube चैनल से आप देख या सुन पा रहे होंगे। सभी लोगों से निवेदन कि यथाशीघ्र प्रवचन पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सर्गास्थित निरोधार्थम कामा कामयो हि यः तम कामं कामघ्नं कामाभावाय कामये यत् कामिनी केलिकलापकुंठितः कामेऽप्यकामो विमदो बभूवः तम कामिनी मानद मानदं सदा श्री मोहनम मोहन मानतोस्य यस्मि। स्वामी जी का आगमन हो रहा है। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव,
पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमः शिखावंदनम् तिलकधारणम् कुशपवित्रधारणम् च ओम पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवोत्पुरां पवित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वतिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुनीत क्षकेयम् दीप प्रज्वलन ओम हरि ओम भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम वसे मिजयत्रिंगम सतनो विरसे महि देव जदा सतमी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः धूपम दीपम च नैवेद्यम निवेदयामि ग्राह्य मुद्रां प्रदर्शय मध्ये मध्ये पानीय मुद्रा पोषण हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालन समर्पयामि मुख शुद्धि अर्थे तांबूल पुंगे फलवृत फलम समर्पयामि कृतायाः पूजायाः शार्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत् नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् अर्पयामि अथ व्यास पूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्री व्यास चरण कमलेभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां माल्यार्पण के लिए जिन जिन महापुरुषों को मैंने सूचित किया था उपस्थित होंगे एक एक करके मैं नाम बोल रहा हूं वे आएंगे और माल्यार्पण करेंगे श्री दया सिंधु मिश्र जी दया सिंधु मिश्र जी श्री श्यामनंदन ओझा जी श्री धनंजय मिश्र मुखिया प्रतिनिधि प्रसंडा पंचायत तत्काल बिशुनपुरा में जो यज्ञ संपन्न हुई स्वामी जी के द्वारा उस यज्ञ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी श्री पंकज सिंह जी उस यज्ञ के कोषाध्यक्ष थे श्री अखिलेश सिंह जी बिशुनपुरा यज्ञ के सचिव रहे श्री वीरेंद्र सिंह जी उस लक्ष्मी नारायण यज्ञ के उपाध्यक्ष रहे श्री पप्पू सिंह जी यज्ञ के निष्ठावान
कार्यकर्ता रहे श्री टुनू मिश्र जी। टुनू मिश्र जी से प्रसुंडा पंचायत से आए हुए माल्यार्पण करेंगे। जैसे सूचना मिल रही है मुन्ना तिवारी जी जो विधायक हैं उनके लड़के आए हुए हैं, अगर वो उपस्थित हैं तो माल्यार्पण में शामिल हो जाएं। आरती चंद्रमा मनसो जा चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखाद्ध निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ नव ज्योति जगाने वाला ज्योति यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती है। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा के आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता चपता त्वमेव त्वमेव बंधो चसता त्वमेव त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव। माला व्यासपीठ पर आप समर्पित कर देंगे। आरती करेंगे आरती करेंगे। यहां से ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्न्या बहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यातम इष्ट्रानि काणम् ॐ मयि काण सर्वलोकम् मयि काण जलेन शीतलीकरणम्। अब स्वामी जी से निवेदन वंदन अभिनंदन प्रवचन प्रारंभ करने के लिए।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो कृष्णचंद्र वाङ्मय स्वरूपाय नमः श्री सतत परिचया संवर्धमानो नाभि नाले करिंखन मधुकर पटले अस्माकं संपदोगां अविरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांति हरि कलयतु वपुषः कालिमा कैट भारे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च स्वाचार्यं
वंदनम भूया सिद्धाश्रम निवासिनम श्रीराम कृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वगार्यम यतिम पुनः श्री केशव कृष्णचंद्र भगवान के श्रीराम भद्र भगवान के श्रीमद भागवत भगवान के जय अखिल ही प्रत्यनीक भगवान श्रीमन नारायण का वाङ्मय स्वरूप कालिंद कुल के लिकर्ण पटियान भगवान कृष्ण जिसमें समाहित है ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण सात्वत संहिता परमहंस संहिता समागत भगवत कथा रस रसिक भगवत प्रेम पथ परायण धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सती सीता सावित्री अनसुईया इत्यादि देवियों के चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर भारतीय सनातन वैदिक धर्म की धुरी को धारण करने वाले वीर पुंगव पुरुषों की जननी देवियों नन्हे मुन्हे सुस्नेहिल नटखट दिव्यात्माओं आज श्रीमद् भागवती कथा वार्ता का तृतीय सत्र आरंभ हो रहा है। कल आपने सुना महाभारत के युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान हेतु अभिमुख हुए। देवी कुंती ने प्रार्थना की मानो सफल हो गई प्रार्थना। कृष्ण रथ से उतर पड़े। सात्यकी उद्धव अर्जुन जो श्वेत छत्र हाथ में लेकर अर्जुन द्वारिका तक कृष्ण को पहुंचाने के लिए निकल पड़े थे ये भी उतर पड़े। प्रार्थना ही ऐसी थी देवी कुंती की जगत में कोई भी भगवान से ये मांगता नहीं ठाकुर तू मुझे विपत्ति दे। कृष्ण की भी आंखें भर गई। एक तरफ विपत्ति मांग रही है कुंती बुआ दूसरी ओर सरसैया पर पड़ा हुआ पितामह भीष्म महत विपत्ति झेल रहे हैं मुझ कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। मेरी बिरुदावली मेरी आख्या है जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यह। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है स्मरण करता है सेवा करता चिंतन करता मैं उसी भाव से उसका भजन स्मरण चिंतन करता हूं। सूर्य उत्तरायण को प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय प्रजा स्मंत पंचक स्नान करके अगल बगल से गुजर रहे हैं। महात्मा देवव्रत भीष्म सूर्य की गति को पहचान चुके हैं। सूर्य आज मकर में प्रवेश कर चुका
उत्तरायण हो चुका है, मैं इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था। इच्छा मृत्यु जो मुझे प्राप्त हुई, वह इच्छा मृत्यु जो एक ओर भारतीय संस्कृति संस्कार को सुरक्षित रखने का संबल बनी, दूसरी ओर हमारी पीड़ा का भी कारण। काश कृष्ण आते और कोई जाने पहचाने या न जाने, पितामह भीष्म की बूढ़ी आंखें उन्हें जानती है, वे कोई और नहीं है, वे साक्षात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण धर्म संस्थापना के लिए जगत में कृष्ण अवतार लेकर देवकी नंदन 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 जसोदा नंदन के रूप में आए हुए हैं। यही वेद प्रतिपाद्य परमात्मा जिसके लिए श्रुतियां अग्रसर होती, अनेक मुख से व्याख्यान करती, ब्रह्म सूत्र जिनके लिए कहता, तत्तु समन्वयात जन्मादेश यतः यतः जन्मादि स एव कृष्णः। ये कृष्ण कोई और नहीं जिससे सारा जगत जन्म पालन और प्रलय को प्राप्त होता है। तज्जलान्विति तस्माद् देव जायते तस्मादेव अन्निति पुनश्च तस्मिन्नेव प्रलीयते स एव कृष्णः। वही कृष्ण है, कोई और नहीं। भाव से स्मरण का परिणाम कृष्ण रथ से नीचे उछल पड़े। द्वार पर छोटी बहन सुभद्रा भी, कृष्ण का जाना अच्छा नहीं लगा इन्हें, ये भी अपने अंतर हृदय से पुकार कर रही है, काश भैया ठहर जाते दो चार दिन और। अब तक तो विपत्ति थी, जब संपत्ति आई दो चार दिन सेवा करने का सुअवसर मिला, तो आज अब छोड़ करके जा रहे हैं। द्रौपदी भी अपना आंचल पकड़ करके यही निवेदन कर रही है, हे सखे जिस आंचल की रक्षा करने के लिए वस्तावतार धारण किया, दो चार दिन तो ठहर जाते, अपने हाथों से सेवा कर लेती, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर परस करके आपको समर्पित करती, परस के आपको खिला लेती, काश मेरी प्रार्थना सुन लेते। भगवान कृष्ण भला भक्तों की प्रार्थना कैसे ठुकराते। एक तरफ कुंती की, दूसरी ओर द्रौपदी की, पुनः सुभद्रा, ज्येष्ठ पांडुनंदन, धर्मराज युधिष्ठिर भी आंखों में अश्रु लिए खड़े। मुख से कुछ कह नहीं पाते, हृदय बोल रहा है, धर्म पुकार रहा है। उतर पड़े हैं सबके हृदय में कृष्ण। मानो सभी पुकार रहे हैं, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल। क्या कहे कुछ और नाम स्मरण के अलावा,
कहने को बाकी ही क्या रहा। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद स्वतः आओगे। मैं न कहूंगा भले यह कहीं का हो, भाव सुंदर है, फिर भी कभी देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मितवा, मानो चली गई।
पीछे पीछे चल पड़े पांचों पांडव। एक मुझे से भरे हुए पीछे पीछे चले पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए परम भागवत प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुख सौनक भीष्म दाल भया। 14 महाभागवतों में पितामह भीष्म का उत्तमोत्तम स्थान है। कृष्ण पितामह भीष्म की ओर जा रहे हैं, मानो किसी ने अनेक ऋषि महर्षियों को दुर्भाष कर दिया हो। सब क्या पता कौन सा संवाद, कौन सा गुण तत्व प्रकट हो, कौन सा सिद्धांत जगत को प्राप्त हो। पितामह भीष्म और कृष्ण के मध्य का संवाद मरण सैया पर सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, जिनके अंग अंग का रक्त बंद बंद कर धरती में समा गया है, जिनका मन बुद्धि चित्त परिशुद्ध हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दर्शन से देश काल को जानने वाले पितामह भीष्म कृष्ण को मन ही मन आराधना करते हैं। मेरे नाथ, अंतर हृदय से आप आ ही गए, अब इससे अधिक भाग्यवान कौन जगत में होगा। ऐसी मृत्यु भला किसको प्राप्त होगी, जिनके आंखों के सामने पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण साक्षात मूर्तिमान होकर के चर्म चक्षुओं को दर्शन देने के लिए खड़ा है। इस भूमंडल में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड में मुझसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। प्रेमियों के कृष्ण कन्हैया, गोपाल, वासुदेव, धन्य हो गया मैं। अनेक राजर्षि ब्रह्मर्षिगण भी जो महाभारत के युद्ध के पश्चात भी जमे हुए हैं हस्तिनापुर में, वे सब भी जो जहां जैसे सुनता है वैसे भागते हुए चले आ रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः। ऋषि पर्वत देवर्षि नारद, ऋषि धौम्य बादरायण वेदव्यास बृहदस्व भरद्वाज रेणुका पुत्र परशुराम वशिष्ठ इंद्रप्रमद गृत्समद अर्थात सौनक अशित कक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक विश्वामित्र सुदर्शन अन्य च मुनयो ब्राह्मण ब्रह्मरातादयो मलाहा, यहाँ तक कि
ब्रह्मरात सुखदेव मुनि भी पधारे हैं। पितामह भीष्म के प्रयाण के समय ऐसा भाग्य, देश काल को समझने वाले पितामह, पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभाग भी पुरुषोत्तम भीष्म सबका जैसा होना चाहिए वैसा सम्मान किया है, हृदय से आदर किया है और हृदय में विराजमान सबके अंतर्याम परमात्मा श्री कृष्ण जो हृदय में है। हृदय स्थम पूजयामास माययो पात विग्रहम कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम। हृदय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का आदर करते हैं। माधुर्य में भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म के चरणों को प्रणाम छू करके करते हैं, पितामह कृष्ण आ गए मेरी कन्हैया मेरे गोपाल, आप याद करें और मैं न आऊं असंभव। धन्य हो गया पितामह भीष्म ने कहा। भक्त और भगवान के बीच का संवाद है, माया से विविध विग्रह धारण करने वाले भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा दुनिया कोई कुछ भी आपको कहे माने, आप तो सारे जगत को विमोहित करके धर्म की स्थापना करने के लिए जदुवंश में अवतार लेकर अनेक लीला संग्रह कर रहे हैं, आप कोई और नहीं। पितामह भीष्म ने आज घोषणा की है ए सभी भगवान साक्षात, सुनो सुनो पांडवों सुनो, ए सभी भगवान साक्षात आद्यो नारायण हरि, ये कोई और मत मानना अर्जुन युधिष्ठिर, ये कोई और नहीं है, भ्रम में मत पड़ना, इसकी लीला बड़ी विमोहक है विमोहिनी है, तनिक संदेह मत करना मेरे पौत्रों, ये सभी भगवान साक्षात आद्यो नारायण स्वयं स्वयं नारायण उतर कर वसुदेव नंदन बन करके आया, यशोदा नंदन बन करके गैया चराया, ये आद्य नारायण साक्षात जगत का कारण है, खबरदार सावधान। सब ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्य सब सावधान हो गए, हाय इतने वर्षों तक हम तो केवल इन्हें वसुदेव नंदन समझते रहे, गाय का चरवाहा समझते रहे, गैया चराने वाले गोपाल समझते रहे, वत्सपाल समझते रहे, इतना इनकी ही माया से विमोहित क्या क्या इनको समझ बैठ। पितामह हम राजर्षियों ब्रह्मर्षियों पर बहुत बड़ा आपका उपकार है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नारायण का परिचय आपने करा दिया, आज हम परिचित हो गए, आज परिचय पा गए, परमात्मा बीच में आ जाए तब भी हम जीव अपनी अज्ञानता के कारण उसका परिचय नहीं पा पाते, वो हमारी जैसे ही जैसे हम जगते हैं सोते हैं, उन मिसन्न मिसन्न पे खाते हैं
मेहन करते, उन्मेहन करते, ठीक उसी तरह वह भी करता है। देखने से हूबहू हमारे जैसे लगता है, होता नहीं है। इसलिए कहा भी अर्जुन से, रण रणांगण में मित्र सुनो, आज रहस्य की बात कहो, अवजानंति माम मूढ़ा, जिसकी मति विमुग्ध है, मूढ़ है, मुड़ गई है, वे लोग मुझे नहीं जान पाते, अवजानंति, मेरा तिरस्कार करते हैं। भगवत पाद रामानुजाचार्य ये गीतायाम उक्तम, तिरस्कुर्वन्ति नाम अवजानंति नाम तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हैं। ये तो गोपाल है, ये तो वसुदेव नंदन, ये जसोदा नंदन, ये गैया चराने वाला गोपाल है, गोप है। ये कुछ और नहीं है, मोहयन माया लोके गूढ़श्चरत विष्णु सुन, जदुवंश में वृष वंश में मोहयन, अपने ही माया से विमुग्ध करके, विमोहित करके, सामान्य मनुष्यों के तरह विचरण करता है, लीला करता है। इसे कोई कर्म का बंधन नहीं है, हम जीवों के तरह ये उन्मुक्त है, मुकुंद है, जगत को मुक्त करने वाला मुकुंद है। ऐसे वही भगवान साक्षात आद्य नारायण स्वयं, स्वयं नारायण आया है, वसुदेव नंदन बनकर, जसोदा नंदन कहलाकर, देवकी नंदन कहकर कहलाकर, तस्य अनुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, इस महापुरुष का अनुभव तो वेद ही जानते हैं। वो भी कह कह करके थक जाते, फिर भी अंत नहीं पाते। देवर्षि ही नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप, पुनः पितामह भीष्म अर्जुन पांडवों की ओर देख करके कहने लगे, अर्जुन सुनो 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 एक बात, यम मन्य से मातुले यम, अरे जिसे तुम अपने मामा का बेटा आज तक समझता रहा, आज अर्जुन मुस्कुराया है पितामह के सामने, पितामह ये बात आज आपको पता चली, हमें तो बहुत पहले ये बात पता चल चुकी, ये आपको आज पता चला, यदि पहले पता चल गया होता पितामह, तो सरसैया पर इस तरह आप दुर्दशा को नहीं प्राप्त किए होते। जिस दुर्दशा को आप प्राप्त किए हमें परिचय दे रहे हैं, आप ज्येष्ठ हैं, आपको कुछ कह नहीं सकता। कृष्ण कृपा से मैंने इनका परिचय पा लिया है। हे कृष्ण, हे जादव, हे सकेत, मैंने भी बहुत इन्हें कहा, हे जादव इधर आ, प्रथम स्थापय मे च्युत, हे अच्युत चल इधर मेरा रथ ले चल, मैंने भी पहले बहुत कहा, लेकिन दिव्यम ददामि ते चक्षु, इन्होंने मुझे आंख दी, वह आंख आज आपको प्राप्त हुई है। पश्चिमे योग महेश्वरम, मेरे ऐश्वर्य योग का दर्शन कर अर्जुन, रण रणांगण के मध्य में ही भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की थी मुझे सखा पर। पितामह तब से मैंने कभी भी इन्हें मातुल्य नहीं माना। अर्जुन तुम धन्य हो, तुझे इनका बोध पहले प्राप्त हो गया, तू मेरा ज्येष्ठ हुआ आज से। जो भगवत तत्व को पहले प्राप्त करे वही आध्यात्मिक क्षेत्र के मनीषियों के मध्य में ज्येष्ठ होता है। नहायनैर्न परिचयैः, बाल पकने से कोई बड़ा नहीं होता, बहुत उम्र गुजार देने से भी बड़ा नहीं होता।
नहाय रही न पलितई ही न वित्तेन न बंधुवे। बहुत से भाई जनबल और धनबल होने से भी कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा नहीं कहलाता। आध्यात्मिक महापुरुष उसे दो कौड़ी का नहीं समझते, उसकी कोई गणना नहीं है। ऋषयः चक्रिरे यो नूचान सानो महान, वही बड़ा है, वही ज्येष्ठ है जो ऋषियों की पद्धति से परतत्व परमात्मा को अपने जीवन में जिस क्षण अनुभव कर लिया, वह 5 वर्ष का प्रहलाद भी, 3 वर्ष का ध्रुव भी उन वृद्धों से ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बड़ा है। उसके चरणों में नमन करने को प्राप्त हो जाए, उसके चरणों की धौल प्राप्त हो जाए, तो अपने वार्धक्य को तिलांजलि देकर के उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए। यही तुम्हारी पद्धति है, और जब तुम ऐसा करते हो उसी क्षण जिस व्यक्ति के भीतर ये भावना जगती है उसी का नाम है ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। जिसने उस तत्व को पहचानने वाले को पहचान लिया, अपने धन बल जन बल बुद्धि बल आयु बल सबका तिलंजलि दे चुका हो, वही ज्येष्ठ है। अर्जुन धन्य हो तो, तेरे लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहितमं। पितामह, आपने जान लिया, पहचान लिया, आज मुझे भी आप पर गौरव हो रहा है। चलते चलते भी आपने धर्म को पहचान लिया, कर्तव्य को जान लिया, जीवन के अंतिम दिनों में भी अब आप धर्म के पक्ष में आ गए। अर्जुन युधिष्ठिर, मैं अपने भाग्य का कितना बखान करूं, आज मैं यह प्राण का त्याग करूंगा। यन्मे संस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्। कन्हाई, कन्हैया, जब तक मैं प्राण का त्याग न कर दूं, तेरे दिव्य लोक की ओर प्रस्थान न कर जाऊं, तब तक ऐसे ही खड़े रहना। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, पितामह मैं भला कहां जाने वाला, मैं तो आपको अपने लोक लेकर जाने वाला हूं। जब आपने जान ही लिया तो भेद रखने में अब लाभ नहीं है। बस कुछ दिन अपने पौत्र धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा धर्म की स्थापना हो जाए, आप कुछ ऐसा उपदेश कर जाएं
कि भरत वंश का नाम युधिष्ठिर के कारण अमर बन जाए। इन्हें कुछ राजधर्म की शिक्षा दे जाए। बहुत बलपूर्वक पितामह भीष्म के मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है, लेकिन कृष्ण प्रेरणा कृष्ण दर्शन अमृत है। अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज्य सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम। किसी प्रिय का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को का बल बढ़ जाता है। आज पितामह का बल बढ़ गया है और युधिष्ठिर को अनेक तरह का आख्यान सुनाकर राजधर्म दान धर्म मोक्ष धर्म विभाग पूर्वक अलग अलग इसे सुनना हो तो महाभारत पढ़ना, स्त्री धर्म भगवत धर्म समास और व्यास रीति से सुनाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने का सहज सरल स्वधर्म है ऐसा निवेदन किया। स्वधर्म विचावेक्ष, अपने स्वधर्म का कभी व्यक्ति को त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म अर्थात कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके ही व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष पर्यंत चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। बंधु मानसकार भी निवेदन करते हैं, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, 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 प्रथम चरण यति प्रीति, प्रथम चरण अति प्रीति, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम विप्र ताकर फल पुनि विषय विराग, ताकर फल विषय विराग, ताकर फल पुनि विषय विराग, ताकर फल पुनि विषय विषय विराग, मम प्रिय विषय विराग, ताकर फल पुनि विषय विराग, तब मम चरण उपज अनुराग, तब मम चरण उपज अनुराग, तब मम चरण
अंत में पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा है कृष्ण प्रेरणा से, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, किं जपन मुच्यते जोगी, जन्म संसार बंधना। बाबा ये जरूर कहो, क्या करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कहे जाते हैं, जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय की रुचि वासना बसात जो बंधन संसार है इससे मुक्त हो जाते हैं, क्या करके? को धर्म सर्वधर्माणा भवतः परमो मतः। सबसे उत्तमोत्तम कर्तव्य क्या है, कौन सा वह धर्म है? पितामह ने कहा, धर्मराज तू सब जानता है फिर भी देखो, ये जो साक्षात खड़े हैं इनकी नामावलिया जितना हो सके, विश्वम विश्वर वशटकार भूत भव्य भवत प्रभु भूतग्र भूत भाव भूतात्मा भूत भावना, इस तरह इनका नाम इनका गुण इनका जस इनकी कीर्ति का स्मरण चिंतन भजन सारे कर्तव्यों से बड़ा है, और यह करके जीवात्मा सहज ही स्वधर्म का अनुसरण करते हुए, लेकिन नाम में प्रीति तब हो जब किसी विप्र के चरणों की अनुरक्ति हो। विप्र का अर्थ है विशेषेण प्राति पूर्यतीति विप्र, जो अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जगत को आलोकित कर दे भर दे। यहां विप्र शब्द जाति सूचक नहीं गुण सूचक है, जिसमें ये गुण हो यानी प्रादुर्भावे जात प्राप्त होती है जन्म से, और गुण संस्कार से प्राप्त होता है।
पुनः पुनः परिशोधन से प्राप्त होता है, पुनः पुनः संग्रह से प्राप्त होता है। निरंतर घिसते जाओ, घिसते जाओ। यो योगिनः छंद मृत्योः वांछितः तुत्तरायणः धर्मः धर्मं प्रवदतः तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः। इस प्रकार प्रवचन करते हुए, उपदेश करते हुए वह काल समय आ गया जो भक्ति योगियों को इष्ट है। जो भक्ति योगी हैं, जो वेद वेदांतार्थ के अनुसार भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे जो भक्ति योगी हैं, स्ववर्ण आश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए भगवत चरणारविंद में समस्त कर्तव्य कर्मों का फल उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, वेदानुरोधी शास्त्रानुरोधी जो कर्म परायण है, क्योंकि आज्ञा है उनकी, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्तु लंघ्य वर्तते, श्रुति और स्मृति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मनमाना मनमुखी आचरण करता है, आज्ञा छेदी वो भक्त नहीं हो सकता, वह आज्ञा छेदी है, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ममद्रोही, वह परमात्मा का द्रोही है। न भक्त न च वैष्णव, भक्त ही नहीं हो सकता तो पुनः वैष्णव कहां से होगा। वैष्णव तो वह होता है, आओ नरसी मेहता के शब्दों में, अभिमान ना आने रे।
भवजन तो तेने कही पीर पराई जान रे सकता तो भला वह वैष्णव कैसे हो। पितामह ने निवेदन किया, हे कृष्ण, हे आदि पुरुष परमात्मन, हे पितांबर धरण लाल, मैं विशुद्ध धारणा से आपको ही अपने चित्त में धारण कर रहा था, आप मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। मेरी मति कभी भी आपके चरणों से बिलग न हो। बंधुओं, सच्चा भक्त वही है जिसकी मति कभी परमात्मा के चरणों से विभक्त न हो, वही भक्त है। जिसके जीवन की सारी विभक्तियां कृष्ण हो। विभक्तियां तो पढ़े होंगे बचपन में हिंदी में, कर्ता विभक्तियां, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, करण से, अपादान के लिए, संप्रदान से, संबंध का, को, की, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, हे, हो, अरे, भो, अभो, अभोस, हे, सारी विभक्तियां का एकमात्र विषय कृष्ण है। जिनके जीवन में वह अरे भी कहे तो कृष्ण को, हे भी कहे तो कृष्ण को, अहो भी कहे तो कृष्ण को, किसी पर आरोपण भी करे, किसने कहा कृष्ण दे, राम जी की इच्छा, कृष्ण जी की इच्छा के बिना कुछ होगा, उन्हीं ने, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही, यही वेदांत का, भागवत वेदांत है, वेदांत की विवृति है। तभी तो आरंभ में ही जन्माद्यस्य यतः कहके सूचित किया कृष्ण द्वैपायन बादरायण ने, यतः जन्मादि,
कस्मात जन्मा दे किसके द्वारा, जिसके द्वारा सत्यम तम सत्यम परम सत्यम अहम धीमहि, मैं उसी का ध्यान करता। इसलिए भागवत ये कोई हंसी ठिठोली खेल तो है नहीं, वेदांत पर पकड़ के बिना भागवत का अधिकारी, हाँ श्रवण का अधिकारी जो सुनना चाहता है, सुश्रुष भी तत्क्षणात, जिस क्षण सुनने की इच्छा हो उसी क्षण तुम अधिकारी बन जाते हो, न देवता का न मनुष्य का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी देश विशेष का कोई प्रतिबंध नहीं है, भागवत श्रवण का अधिकारी सब है, कोई बंधन नहीं, पर्वत पहाड़ नदी तालाब सब श्रवण करने के अधिकारी है। जिन्हें आप जड़ समझते हो वेदांत उसे जड़ नहीं कहता। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिवीम यमयति, जो पृथ्वी का भी नियमन करता, इसीलिए तो आगे चल के कहेंगे सुखदेव तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, यह ऐसा वैसा बालक हमारे जैसा नहीं। अब बालक का तात्पर्य बालयति संचालयति बातादेन अनंत ब्रह्मांडानि, यह सह बालक कृष्ण, ऐसा बालक ये कृष्ण है जो अनंत ब्रह्मांड का संचालन करने का सामर्थ्य, संचालन ही नहीं सृष्टि पालन संचालन सब। पितामह भीष्म निवेदन कर रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूम स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृतिमुपेभूषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौर वरांबरम दुधान स्वनिगमम पहाय। निवेदन करते हुए पितामह ने कहा, हे प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा आपने छोड़ दी हमारे लिए, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी मैं अवश्य ही श्री कृष्ण से शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। अपने भक्तों के प्रति आपकी ऐसी प्रीति है कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। अपना मान आपने टाल दिया लेकिन अपने भक्त जिसे पितामह कहते रहे माधुर्य में, अर्जुन को सरपंजर बना दिया अपने बाणों से, निर्णय कर लिया था कि आज अवश्य आपको शस्त्र धारण कराऊंगा, रथ की पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ पड़े, वह चित्र मेरे चित्त में ऐसा धसा है, अब तो प्रार्थना है कि वह कभी भी मेरे चित्र से वह चित्र आपका बाहर न निकले। उस समय जो आप दौड़ पड़े मेरी ओर रथ की पहिया लेकर चक्र लेकर, वह जो सौंदर्य शौर्य जो झलक रहा था उसी सौंदर्य और शौर्य का मैं आकांक्षी, मेरे चित्त में सदा वह बना रहे। धृतरथ चरणों भया चलद गो
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयम्। मेरी रति आपके उसी दिव्य विन्यास में हो, उसी विग्रह में हो, जिस विग्रह में आप रथ की पहिया लेकर के मेरी ओर दौड़ पड़े थे मारने के लिए। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी इस तरह प्रार्थना करते हुए पितामह भीष्म ने अपनी इंद्रियों को मन में, मन को पुनः बुद्धि में, सारी वृत्तियों को पुनः आत्मा में समाहित करते हुए और आत्मा को पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए अपने श्वास का उपराम करते हैं। देखते ही देखते शरीर शांत हो गया, जैसे संध्या काल में पक्षी लौट करके आते अपने घोंसले में शांत हो जाते हैं, उसी तरह शांत हो गए पितामह भीष्म। सर्वे बभूते तुष्णिम बयांसी वदिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। अष्ट गुणाष्टक संपन्न होकर के पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। सबने अनुभव किया पितामह भीष्म परब्रह्म नारायण को प्राप्त हो गए। सब मौन। जिस दिन पितामह भीष्म प्रयाण करते हैं उसी दिन से ये परंपरा आरंभ हुई, किसी के जाने के बाद 2 मिनट का मौन रखने की जो परंपरा, किसी की मृत्यु के पश्चात मौन शोक मनाने की जो परंपरा आरंभ हुई, ये पितामह भीष्म से ही आरंभ हुई। सर्वे बभूः ते तुष्णीम। सभी मौ राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षिगण आए हुए हैं, सबके साथ सिर झुका करके मौन है। इसी मौन वातावरण में पितामह अष्ट गुणाष्टक संपन्न होकर के भगवान के दिव्य वैकुंठ गोलोक साकेत जो नाम रख दो, ये केवल नामांतरण है भक्तों की भावना के अनुसार, अन्यथा तत्त्वम द्विविधम जड़ा जड़ भेदात। दो ही तत्व है, ध्यान से सुनना, आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए लोग खास सुनेंगे, मॉडर्न साइंस पढ़ने वाले लोग ध्यान से सुन। तत्त्वम द्विविधम, दो ही तत्व है, जड़ा जड़ भेदात, जड़ और अजड़, भेद से दो ही तत्व है। तत्रापि अजडम द्विविधम, उसमें भी अजड़ 2 विभाग से अलग अलग है, जीवात्मा परमात्मा चेत। तत्र जडम एक एव, उसमें जड़ एक है, जड़त्वेन जड़त्वात् जडम एक एव, वह जड़ एक है। पुनः उस एक की विवृत्ति अनंत ब्रह्मांड, एक ही। बाद में उसकी एस आत्मनः आकाशः संभूतः, उसी अजड तत्व के द्वारा, जो अजड माने चेतन चिदघन, उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम प्रजायया, हाय रे मैं अकेला बहुत बनूंगा, बहुत बनने का बहुभवन संकल्प। और जब बहुभवन संकल्प करता है
कि एक ही कोठरी है, दो चार दस का एक बड़ा बिल्डिंग बना देता। बैकुंठ में रहते रहते गोलोक साकेत आदि, ये आदि जो शब्द कह रहे हैं ये वास्तव में एक ही लोक है। तत्क्रतु न्यायात, तत्क्रतु नाम यदि भवति तत्प्रत्य भवति। जिस भावना से यहाँ पर भगवत आराधना उपासना आप करेंगे, आत्म उपासना या भगवत उपासना जिस भावना से आप करेंगे, उसी प्रकार की भावना से भावित होकर के आपको वही चित्र और चरित्र अजर लोक में, दिव्य लोक में आपको दर्शन को प्राप्त होगा। वह वैकुंठ ही गोलोक है, वैकुंठ ही साकेत है, अजड लोक है, दस बीस लोक नहीं है। इसलिए भागवत ने उसे कहा अलोकम समपद्यता, अलोकम अस्य लोकः अलोकः तम अलोकम अकारार्थो विष्णु, अकार का अर्थ है विष्णु परमात्मा कृष्ण, अक्षराणाम अकारोऽस्मि गीता, अक्षरों में अकार, अकार के बिना किसी का बकार निकलेगा, अकार के बिना बकार निकलेगा नहीं ना। इसीलिए जिसके बिना बकार न निकले किसी का, न बकार निकले न विकार निकले, वह अकार परमात्मा को कहने वाला वर्ण है, ध्वनि है, देवता है, अधिदेवता है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ण अधिदेवता, इन सारे वर्णों के देवता, वर्णोपासना अपने यहाँ विहित है। एक एक वर्णों की अलग अलग उपासनाएं हैं। अभी पिछले साल हमारे साथ गंगा के तट पर मैं था, विचार किया कि चलो वर्णोपासना कुछ दिन कर लूं। तो हमारे साथ रहने वाला वो डर जाता था, भयभीत हो जाता था। वो आया है साथ में, पूछना उससे। हमारे जो सारथी हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, श्री कमलाकांत तिवारी जी, पहले दिन तो बहुत भयभीत हो गए। कहा डरो मत, इस समय मैं इसीलिए यहाँ एकांत वास कर रहा हूँ गंगा के मसान पर। पिछले साल दिसंबर के महीना 13 दिसंबर से 26 दिसंबर तक तो अपने यहाँ वर्णोपासना, अनेक उपासनाएं, इसीलिए इन वर्णों से, वर्णों के सम्मेलन से जो वर्ण बना उसी का नाम आगे चल करके जो वेदों का मूल है, इसका नाम है उद्गीत है सामवेद के अनुसार, और पुनः प्रणव भी जो कहलाता है, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक प्रणव, और प्रणव में जो प्रथम अक्षर है अ, ई नहीं है, अ उ और म, ये तीन अक्षर। अकारार्थो तत्र विष्णु, अकार का अर्थ है विष्णु कृष्ण, और उकार इन दोनों के संबंध को बनाने वाला, दोनों में दूसरा कौन है, मकारार्थो जीवा तदुपकरणम वैष्णवमिदम, और मध्य का जो उकार है ये जीवात्मा और परमात्मा के मध्य का जो संबंध है। उकार अव्यय भी है, उकार संबंध को जोड़ने वाला है। वर्णों में उकार आयु रिल रिये वायु, ये नव व्यंजन मुख्य, नव स्वर मुख्य है। इसके अलावा हिंदी में चाहे जितना बना लो ह्रस्व दीर्घ प्लुत करके, वो बात और है, वो अपना करते रहो। जो मूल आयु रिल रिये वायु, ये नव स्वर भी, इन नव स्वरों का भी मूल आकार ही है। इसी आकार से ये नव स्वर पुनः स्वरित होते हैं। स्वरित से मेरा तात्पर्य है अभिव्यंजित होते हैं आगे। यहां स्वरित से तात्पर्य उदात अनुदात स्वरित नहीं, उससे अभिव्यक्त होते हैं। आकार की अभिव्यक्ति अन्य
सारे स्वर है। पुनः व्यंजन, अब तो हम कोई क्लास तो ले रहे नहीं है बच्चों का कि व्यंजन और स्वर पढ़ा। हाँ, अपनी स्मिता का स्मरण होता है तो सोचता हूँ कि चलो मनोहर पोथी भी जरा खोल ले, भागवत से लेकर के मनोहर पोथी तक खोल लेता हूँ। इतना ही नहीं बंधुओं, जो आपका ये स्वर और व्यंजन है, जरा अब बात आ ही गई तो और दो एक बातें कह ही दूं। ये प्रत्येक स्वर व्यंजन भगवान के ही वाचक है। अकार तो साक्षात कहता है, व्यंजन वर्ण में भी देखो पहला व्यंजन वर्ण कौन है? क। श्रुति कहती है कम ब्रह्म, क ब्रह्म का वाचक है। खम ब्रह्म, खम भी ब्रह्म का वाचक, परमात्मा का वाचक है। खम ब्रह्म, गम ब्रह्म, घम ब्रह्म, ये सारी ध्वनियां उसी परमात्मा का वाचक है। और ये अक्षर जो है संकेताक्षर, पुनः इन ध्वनियों को संकेत में बांधा गया तो अक्षर के संकेत बने। जैसे टेढ़ा मेढ़ा आप उसे कलम से उतार लेते हैं, और ये भी जो संकेत भी जो बने वो किससे बने? ध्यान दो, ये जो संकेत बनाए गए प्रतीक जो आपकी लिपि है, उन लिपियों के निर्माण के लिए लोग कहते हैं कि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता, यदि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया तो दशकंधर का दस सिर की गणना कैसे किए गए? उन्होंने केवल संकेत ढूंढा है, न कि शून्य को ढूंढा है। वो दैट इज नथिंग इज कॉल्ड जीरो बट समथिंग, कुछ है नॉट नथिंग, ऐसा नहीं कह सकते। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़े है। तो उन्होंने केवल संकेत ढूंढा है आर्यभट्ट ने, आपके ही पाटलिपुत्र के रहने वाले थे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम भद्र भगवान की जय। अब कोई बात चलती है तो दूर तक जाती है, क्योंकि श्रीमद्भागवत महापुराण भी वो जो चिन्मय तत्व है उसी वह भी संकेताक्षरों के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो रहा है। उसकी भी अभिव्यक्ति इन वर्णों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति हो रही है। तो सारे व्यंजन माई लोग बतावो, ये बतावो कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन कैसे बने ला, बढ़िया बढ़िया जाने लू लोग ना व्यंजन, आज कौन कौन व्यंजन बनी, कड़ाही चढ़ी कि ना चढ़ी, तेले में बन जाई कि घी में बनी व्यंजन, जिसमें अनेक तरह का स्वाद हो। व्यज्यते अनेन, जिसके द्वारा स्वाद की अभिव्यक्ति, क्योंकि परमात्मा का जो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है केवल केवल स्वरों से नहीं हो पा रही थी, केवल मात्र स्वरों के द्वारा परमात्मा के दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी तब व्यंजन वर्ण आए, अभिव्यंजन करने के लिए, अभिव्यंजना करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए विविध गुणों से युक्त, विविध स्वाद से युक्त, जैसे विविध प्रकार के जो स्वादिष्ट पदार्थ को आप व्यंजन कहते हैं, उसी तरह वर्ण भी व्यंजन है, जो परमात्मा के गुणगणों को अभिव्यक्त करने के लिए, व्यंजित करने के लिए,
विविध स्वादों स्वाद से युक्त बनाने के लिए ये अभिव्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि केवल स्वर के द्वारा परमात्मा का दिव्य गुणगण प्रकट नहीं हो रहे थे, ध्वनि के माध्यम से भी प्रकट नहीं हो पा रहे थे। तब व्यंजन वर्ण आए कि अब हम आ गए, हमारे साथ स्वरों को मिला दिया जाए तो परमात्मा का अनंत जो गुणगण समुदाय है सबकी अभिव्यक्ति होने लगेगी। तो परमात्मा गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए व्यंजन आए, जैसे एक ही चना का कितना व्यंजन बनाया जा सकता है, बन सकता है कि नहीं? चाहो तो रोटी बना लो, है रोटी भी बना लो, पकौड़ियाँ नाना प्रकार के अनेक तरह के उसमें मसाले डाल करके नाना तरह के पकौड़ियाँ बना करके, और भी अनेक मीठा भी बना लो, तीता भी बना लो, कड़वा भी बना लो, है बुदिया मीठा भी बना लो और बुदिया तीता भी बना लो, नमकीन भी बना लो। तो एक ही चना के विविध प्रकार के जिस तरह व्यंजन आप बनाते उसी तरह जो एकार्थ है उस एकार्थ को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए, उस परतत्व परमात्मा के विविध गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए ये व्यंजन प्रकट हुए जगत में। उस व्यंजन के द्वारा उस परमात्मा की अभिव्यक्ति, विविध गुणों की अभिव्यक्ति होती है। यदि ये व्यंजन नहीं होते तो हम आप तक कैसे अपने भावों को अभिव्यक्त करते? तो जितने भाव अभिव्यक्त हो रहे हैं केवल स्वरों से भावों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन केवल स्वरों से भाव प्रगाढ़ता से व्यक्त नहीं हो सकते। और व्यंजन यदि मिला दो तो शीघ्रता के साथ वे स्वर जो व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे ये स्वरविद है, ये तालविद है, अपने ताल के द्वारा नाद के द्वारा ही अनेक तरह के अर्थों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। स्वर के माध्यम जो साल तालज्ञ है, स्वरज्ञ है, अपने स्वर के द्वारा अनेक अभिव्यक्तियां उपस्थित करते हैं, लेकिन मात्र स्वरों के द्वारा अभिव्यक्त करना अत्यंत कठिन था। जो स्वर साधना करते हैं, अब थोड़ी सी स्वर साधना किए होंगे तो केवल शब्दों के विन्यास, स्वरों के विन्यास के द्वारा ही भावों की अभिव्यक्ति, यदि उसमें व्यंजन मिल जाए तो सहजता से ही भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा के दिव्य गुणगणों को सहजता से ही व्यक्त करने के लिए व्यंजन आए अस्त, इसीलिए उसमें स्वाद, व्यंजन में स्वाद अधिक है, स्वर में स्वाद है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कठिन है, स्वरों से स्वाद की अभिव्यक्ति कठिन है अस्त। भारतीय सनातन लिपि भी पूर्ण वैज्ञानिक और वह भी ब्रह्म से ही निर्गत होकर के आई है। प्रत्येक लिपि के एक एक अक्षरों को जरा देखो, ये सारे अक्षर किससे बने? यदि संकेताक्षर शून्य की सृष्टि किसी आर्यभट्ट के द्वारा हुई है तो इन व्यंजनों की अभिव्यक्ति कैसे हुई? आप अ लिखो, आप देखोगे अ को लिखने के लिए दो शून्य की जरूरत पड़ेगी, दो शून्य चाहिए, एक शून्य को दो टुकड़ा कर दो और दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दो तो उससे अ का निर्माण होगा। अस्तु, अब ये बात हम यहीं छोड़ देते हैं। श्री बाल कृष्ण भगवान की संपद्यमान आज्ञाय पितामह भीष्म भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपितामहं विभु। धर्म का राज्य जिस राष्ट्र में होता है, आप धर्म में प्रतिष्ठित होंगे तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएंगे,
धर्म ही प्रकृति को अनुकूल कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। या यूं कहूं कि भारतीय सनातन धर्म प्रकृति की भाषा है, प्रकृति की अनुकूलता है, प्राकृत आनुकूल्य ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को एक शब्द में कहा जाए तो प्राकृत आनुकूल्यम सनातनत्वम, प्रकृति की अनुकूलता ही सनातन धर्म है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने धर्म को धारण किए हुए है। जल का धर्म है शीत स्पर्शवत त्यापह, शीतलता और स्पर्श नामक गुण ये जल में। जल अपने गुणों का त्याग कभी नहीं करता, अपने धर्म का त्याग नहीं करता, चाहे कितना भी उष्ण कर दो जल अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहता है। जलते हुए अंगारे पर जल का वाष्प भी उसे प्रवाहित कर दो तो परिणाम अंगीठी को ठंडा कर देता है। क्यों? इसलिए कि 100 डिग्री फारेनहाइट पर गर्म जल भी शीत धर्म का त्याग नहीं किया है, तभी तो अंगीठी को बुझा दिया। वेपोराइज वाटर, वाष्पीकृत जल, अन्यथा कैसे बुझाता। तो धर्म का अविनाभाव संबंध है प्रत्येक पदार्थ के साथ। एक के बिना एक का एक की सत्ता संभव नहीं है। पितामह भीष्म अस्तु आवे कथानक पर जरा बड़ा आनंददायिनी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्तों के चरित्र को प्रकट करने वाली ये कथा, इसीलिए तो इसे हम भागवत कहते हैं। जिनका संबंध भगवान के साथ है, इसी संदर्भ में हम वर्ण और स्वरों की बात कर रहे थे। जिसका संबंध भगवान से नहीं है ऐसे वर्ण और स्वरों के चक्र में भी हम नहीं पड़ते। परमात्मा का ही वाचक उपनिषद कहता सर्वे शब्दाः सर्वे वर्णाः सर्वे शब्दाः यत् पदमामनन्ति तत् ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। सारे शब्द, सारी ध्वनियां, सारे वर्ण, दित्त कपित्थ निरर्थक शब्द भी उस परमात्मा के ही वाचक हैं, कृष्ण का ही वाचक है, क्योंकि उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। सर्वम खलु इदंतेन परिदृश्यमान यत् किंचित् जगति तत् सर्वम ब्रह्म। सर्वम खलु इदं ब्रह्म कह करके श्रुति स्पष्ट कर रही है निश्चयेन ब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म ही है आत्मा। जगदेव हरि हरि रेव जगत, जगत भी वही बना है अपने शरीर से, स्वरूप से जगत का धारण करता है, जगत का धरता है, धारण करने वाला है, और शरीर से स्वतः नाना रूप नाम धारण किए हुए है। तभी तो कहा गया अनेक रूप रूपाय विश्व में प्रभ विश्व में ओ सब में व्याप्त होकर के निवास करने वाले प्रभ विष्णु अनेक रूप रूपाय, आपके रूप का कोई अंत नहीं है। इसलिए सकल नाम और रूप उन्हीं का है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अनेक नाम रूप का सर्जन करके उसी में प्रवेश करके निवास करता है, तभी ये नाम रूप है। जिस दिन उसकी सत्ता न हो उस दिन न कोई नाम होगा ना ही कोई रूप होगा, सारा जगत निरूप हो जाएगा। निर्गतानि रूपाणि यस्मात्, जगत से रूप का बहिर्गमन होते उसके उसके निकलते ही जगत का कोई रूप नहीं रह जाएगा, अरूप होगा, निरूप होगा। लेकिन वो कामना करता है कि मैं नाम रूप वाला बनूं। स एकाकी नरमते, श्रुतियां कह रही है अरे अकेले तो अच्छा लगता ही नहीं, आपको अच्छा लगता है अकेले? क्या चाहे बचपन हो या बुढ़ापा, अकेले अच्छा लगता है? किसको किसको अकेले अच्छा लगता है, जरा हाथ उठाओ। अकेले
और दो चार लोगों के साथ किसे किसे अच्छा लगता है बताओ, दो चार लोग। दुनिया में भी कहा जाता है कि जंजाल बढ़िया कंगाल बढ़िया ना, कहा माइल बात कहते ठीक ना, जंजाल बढ़िया तनि हेनियो रहो होनियो रहो है? आगे पीछे ऊपर नीचे सब बाला जंजाल बढ़िया हो, एक कंगाली सगे संबंधी ऊपर नीचे आगे पीछे दूसरा लोग आते जाते सब अच्छा लगता, भगवान को भी अच्छा लगता। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम सब है, हमको भला अच्छा क्यों ना लगे, लगना ही चाहिए। यदि नहीं लगता है इसका मतलब आप नास्तिक हो, नास्तिक हो किसी में नहीं हो। हाँ, एक अंत निश्चय, इसका एकांत का अकेला का तात परमात्मा भी कहता है मैं अकेला, तो मैं अकेला मतलब परमात्मा भी कहता है कि मैं अकेला, इसका मतलब क्या है? जैसे आपको मैं कोठरी में बंद कर दूं अकेले, हाँ ठीक है, और बाहर से पूछो इसमें कौन कौन है, तो आप कहो हाँ इस कोठरी में तो एकमात्र अकेला राजेंद्र मिश्र मैं हूं, बरौली वाला मैं अकेला हूं। अरे अकेले कैसे हो, तुम्हारे साथ साढ़े तीन हाथ का ये शरीर है, तुम अकेले हो, ये पांच पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच पांच कर्म इंद्रियां, मन भी बुद्धि भी चित्त भी अहंकार भी, अकेले कैसे हो, पर मैं तो अकेला हूं। कहां अकेला है तू, ये साढ़े तीन हाथ का शरीर, चित जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित यह अधव शरीरा, ये पांच पांच तत्वों वाला और भी पता नहीं आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितने तत्व है, 110 की 108 दुनिया भर के तत्व है, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम पर्यंत, रेडियम से लेकर थेरियम पर्यंत, पता नहीं कितने तत्व, अनेकों तत्व, लेकिन फिर भी इन पांच तत्वों में ही सबका अंतर्भाव है, चित जल पावक गगन समीरा, इसी में सारे दुनिया भर के तत्व आ गए, इससे बाहर कुछ नहीं है। चाहे मेंडेलेव की आवर्त सारणी पढ़ो, चाहे बाबा तुलसी की चौपाइयां पढ़ो, बात एक ही, सारे तत्व इतने नाम सब पुनः पांच में, वो भी पांच एक में समाहित हो गए, और समाहित होते होते अंत में एस आत्मनः, उसी आत्मा परमात्मा में सब एक ही भवति, तमह परे वासुदेवे एक ही भवति श्रुति कहते हैं, ये जो अनेक नाम रूप दिखाई पड़ते अंत में सब एक में ही निहित हो जाते हैं। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पितामह विष्णु भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निवेदन करते हुए और प्रयाण कर गए, अब हम अधिक देर यहां नहीं ठहरेंगे। जो प्रार्थना करनी थी कर लिए, भगवान उपस्थित हो गए हैं, निकल गए, अष्ट गुणाष्टक संपन्न हो गए। युधिष्ठिर का राज्य धर्म का राज्य है, इसलिए शुद्ध जी सौनकादि मुनियों को सुनाते हुए निवेदन करते हैं, युधिष्ठिर के राज्य में देखो धर्म का राज्य का परिणाम क्या होगा, नाधयः व्याधयः क्लेशा दैव भूतात्महेतवः। ये सब विज्ञान का सूत्र है, श्रीमद् भागवत क्या है, विज्ञान का सूत्र है, और तुम इसे गप समझते हो, पश्चिम के लोग गप समझते हैं, और मुझे एक एक शब्दों में केवल विज्ञान दिखाई पड़ता है, नाधयः व्याधयः, न आधियां थी न व्याधियां थी, कैसे नहीं थी, और आज कूर करोना कितना परेशान किया है, क्यों कि घर घर में तू पंच महायज्ञ किया करता था, दैवो होमो बलिर्भवतो, नित्य होम करो, आज देखोगे। एक दिन और भी कहा था, वैक्सीन केवल जवाब नहीं है कूर करोना का, आज नहीं तो कल बात समझ में आएगी, आज ही सुन लो, समाधान नहीं है ये, तो केवल व्यापार है, केवल और केवल व्यापार है और कुछ नहीं है। समाधान यदि विश्व को लेना है तो आओ आध्यात्मिक महापुरुषों के चरणों में, और तुम्हें हम समाधान देंगे, घर घर में दैव यज्ञ हो, होम यज्ञ हो।
आहोत यदि घर में पड़ती है, ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा इदं प्रजापते इदं प्रजापते नमः। जहां रहो वहां करो हवन और देखोगे, और यदि तुम्हें विश्वास न हो पश्चात जगत के लोगों, तो यंत्र लगा करके देख लो, तुम्हारे जितने हार्मफुल बैक्टीरियाज़म और वायरस हैं, सारे वायरस निर्मूल नहीं होते तो नाम बदल देना इन शास्त्रों का। हाँ, करके देखो, लाओ अपने यंत्रों को, शोध करके लोगों ने जान लिया समझ लिया। जिस घर में एक दिन आहुति यदि पूर्णिमा के दिन पड़ जाए, घर घर में सत्यनारायण व्रत की कथा, ये कोई गप नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, ये स्वास्थ्य का सूत्र है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो 30 दिन नहीं करो तो कम से कम पूर्णिमा के पूर्णिमा कर लो, घर में आहुति कर लो, तांबे का कुंड रखो, शुद्ध गाय दरवाजे पर रखो, कुकुर मत पालो, एनसीसी एंड डॉग। दरवाजे पर गाय रखो, एनसीसी एंड डॉग से कोई समाधान नहीं है। इतना संग्रही क्यों करते हो कि चोरी होने का भय, अपराधी हो, शास्त्र तुम्हें अपराधी सिद्ध कर रहा है। श्रीमद् भागवत नौम स्कंध साम्य सूत्र, भागवत का साम्य सूत्र, साम्यवाद के प्रवर्तक का नाम है पादरायण वेदव्यास। सुनो साम्य सूत्र में क्या कहते हैं, इतना सुंदर साम्य सूत्र, एक एक अर्धाली में जो सूत्र व्यक्त कर दिया है, हजार हजार पृष्ठों के पन्नों में कोई व्यक्त नहीं कर सकता। नौम स्कंध में कहते यावत म्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना, यावत म्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना अधिकम जो विमन्येत स दण्डः सस्तेनो दण्डमर्हति। क्या कहा जरा हिंदी में सुनो तो समझ में बात आवे। बादरायण कह रहे हैं साम्य सूत्र के जनक, आप कहते हो मार्स कोई है, हाय हाय ये सब गुलामी के लक्षण है। बादरायण वेदव्यास सारे सूत्रों को यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है वो दुनिया के किसी कोने में कोई सूत्र नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं वो कहीं नहीं है। भारत का साम्य सूत्र इससे स्वर साम्यवादी है। क्या कहते हैं यावत म्रियेत जठरम, जठर पेट की अग्नि को जठर कहते हैं, ये जठराग्नि है। जितने से तुम्हारी जठराग्नि शांत हो जाए तावत स्वत्वम, उतने पर उतने देर तक तुम्हारा अधिकार, उतने पर तुम्हारा अधिकार है। यावत म्रियेत जठरम, जितने से पेट की अग्नि शांत हो जाए बस शेष उस काल के उस समय शेष पर तेरा हक नहीं है, समाज का है, परिवार का है, अन्य भूखों का है। बड़े बड़े भंडारे होते हैं कि नहीं, सब तो अपने पेट भर ही पाते हैं। और देखो प्रकृति ने कितना सुंदर सूत्र दिया है, आपको भरपेट भोजन करा दिया जाए, फिर कहा जाए और लोगे और लो, अरे और ले लीजिए चार रसगुल्ला और खा लीजिए, चार रसगुल्ले और ले लीजिए, बस 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 बस, हा दियतम हु दियतम न दियतम व्यग्र हम बने बाघ के तरह अपना पत्तल थाली रोक करके खड़े हो जाए, खबरदार अब नहीं, बस बस हो गया। यही है प्राकृत साम्य सूत्र। जिस अंतर भावना से आ दियतम व्यग्र हम बने बाघ के तरह अपनी थाली को छाप लेते हो, डक लेते हो, अब नहीं, उस क्षण तुम साम्यवादी होते हो, उसी उस क्षण का नाम है साम्यवाद। यही है साम्यवाद। हर व्यक्ति अपने जीवन में दोनों समय साम्यवादी होता है, जिस समय भोजन करता है बस 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 बस, नहीं तो
उससे अधिक यदि चाहते हो तो अधिकम योभिमन्येत। उससे अधिक पर अपना अधिकार समझने वाला यदि कोई है तो सस्ते न वह चोर है, चोर है, दंड मरहति और दंड का पात्र है। इससे अच्छा सूत्र मिलेगा क्या दुनिया में? यहां तो व्यक्ति में साम्यवाद की प्रतिष्ठा है, समूह में नहीं, क्योंकि समूह भी व्यक्ति से ही बनता है। ऐसे सूत्रात्मक अनेक भावों से गुंफित, अनेक सिद्धांतों से युक्त बादरायण वेदव्यास को साम्यवाद का प्रवर्तक न कह करके किसी और को कहना ये केवल तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है, अनेक वर्षों की गुलामी का चिन्ह है। मैंने बाद में सुना, बचपन में पढ़ा पाइथागोरस पर में, और जब मैं ललितावली पढ़ने लगा बीजगणित, तो उसमें शुल्ल सूत्र, जो शुल्ल सूत्र बादरायण वेदव्यास के शिष्य बोधायन के द्वारा प्रवर्तित है, और ये डकैतों ने, इन चोरों, ये सबके सब चोर हैं, पश्चिम वाले हैं, भारत की बौद्धिक संपदा को चुराने वाले चोरों का नाम है पाश्चात्य देश, ये सब के सब चोर है। भारतीय संस्कार और संस्कृति बौद्धिक विज्ञान को चोरी करके यहाँ के लोग भूल जाएं, उसके बाद हम इसका प्रचार करेंगे उसी भारत में। बोधायन के शुल्ल सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जगत में, भारत में पढ़ाया जा रहा है, ये राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य है। और यही आज भी तुस गुलामी को क्या समझते हो कि आजाद हो गए, अभी आजादी अधूरी है, पूरी नहीं है। पूरी आजादी के लिए मानसिक गुलामी से ऊपर उठना होगा, जो मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हो, इसलिए पहले सिर पर चोटी रखो तो चोटी तक जाओगे, ध्यान दो जहां जाता चोटी रखो। सबसे पहली गुलामी तो ये चोटी कटा करके, चोटी कटवा, लोग कहते हैं चोटी रखने पर, लोग कहते हैं चोटी वाला, चोटी वाला। प्रातः स्मरणीय संत राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, यदि तुम्हें कोई चोटी वाला कहे तुम कह दो चोटी कटवा, चोटी कटवा, चोटी कटवा, चोटी कटाने वाला। भगवान कृष्ण हमारे कटोरा के कटोरा दूध इसलिए पी जाते थे, मैया कहती देख बेटा तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, मैया चोटी लंबी हो जाए, हाँ ला, ओ उठा करके घटाघट दुग्ध पीते, उसके बाद लंबी चोटी खींच के देखते, अरे मैया अभी तो चोटी बड़ी नहीं, बेटा जरा पीते तो रहा, चोटी बढ़ जाएगी तेरी, दूध पीने से चोटियां बढ़ेगी। और आज के लड़के चोटी कटाने के लड़के, अब तो कई पीढ़ियां गुजर गई तो बूढ़ों के सिर पर भी चोटी नहीं देखता, भागवत सुनकर के चोटी रखो। ये डिश एंटीना है, देखो विज्ञान इसी को, इसी चोटी को देखकर के डिश एंटीना बना लिया, और तुम्हारे सिर पर परमात्मा ने, लोग कहते संस्कार क्यों जरूरी है, देखो प्रकृति ने कुछ अच्छे चीज के साथ भी उसके साथ, जैसे आप धान की गेहूं की खेती करते हैं तो खरपतवार उग जाता है ना, तो शरीर पर भी खरपतवार उगाता है। ये खरपतवार क्या है, ये मूछे खरपतवार है, ये दाढ़ी भी खरपतवार है, दाढ़ी मूछे ये जो कलम है खरपतवार है, इस खरपतवार को आगे से अलग करो और डिसेंटीना की तरह गोला गोल 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 सिर के ऊपर बाल रखो, ये सब खरपतवार है, खरपतवार को अलग करो। बाल कृष्ण भगवान की, तो धर्म का राज्य होने पर आधयः व्याधयः सर्वे क्लेशा दैव भूतात्म हेतवः। चाहे किसी दिव्य देव के कारण क्लेश हो, या किसी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के वैमनस्य के कारण,
या कहूं विषमता के कारण, इसको वैषम्य वैमनस्य, इसमें भी वैमनस्य है, ये भी यदि वैमनस्य पाल लें आपके ही शरीर के भीतर हवा मिट्टी पाने, तो शांति से नहीं बैठोगे, अभी कहारना शुरू कर दोगे। वायु वैमनस्य पाल लें आग के साथ, कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे शरीर में। हवा यदि वैमनस्य पाल लें, जल यदि वैमनस्य पाल लें, विषम हो जाए, वैमनस्य नाम वैषम्य विषमता, यदि विषमता हो गई, जो समानुपातिक स्थिति होनी चाहिए उससे तनिक भी आगे पीछे हुआ तो क्लेश आदि व्याधि बढ़ने लगेंगी। लेकिन युधिष्ठिर के राज्य में ना आधयः न आधियां थी न व्याधियां थी न क्लेश था, क्यों? सभी अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। स्वार्थ छोड़ कर पालन करते थे। अब तो हर कार्य में स्वार्थ जुड़ गया, स्वधर्म का पालन स्वार्थ छोड़कर। पिछले दिनों में भी कहे हैं, पंच महायज्ञ प्रत्येक व्यक्ति किया करता था, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम दैवो होमो बलिर्भवतो, जीव मात्र के ऊपर दया, क्या बलि वैश्य बलि है, कीट पतंगादियों का भी हिस्सा निकालना, भोजन के समय भी अपनी थाली का अंतिम ग्रास मत खाना, सुश्रुत कह रहे हैं ग्रास से सम्न चाष्ट्यात्, अंतिम ग्रास नहीं पाना चाहिए, उसे कीट पतंगादियों के लिए छोड़ देना चाहिए, इन्हें की थाली चाट के स्वाहा। और थाली में अधिक छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसाधनों पर समाज का अधिकार होता है, भले प्रकृति का अधिकार होता है संसाधनों पर। ये मत सोचना कि हम बहुत धनी मानी है तो बर्बाद करेंगे, बहुत बड़े खेतिहर हैं तो सब उपज करके बर्बाद करेंगे, बर्बाद करने का अधिकार नहीं, प्रकृति ने प्रदान किया है संसाधन पर समाज, समाज का मतलब केवल मनुष्य का ही नहीं, संपूर्ण पार्थिव जो समाज है, पृथ्वी पर निवास करने वाले सारे, जो चाहे जलीय हो चाहे वायवीय हो चाहे आग्नेय जीव हो चाहे पार्थिव जीव हो, सारे जीवों का हक है वस्तुओं पर, केवल आपका अकेला नहीं है। इसलिए नाली के कीट भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमें अंश मिले। हमारे जामुनाचार्य स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, और कहीं मत भेजना हमें, अपने भक्तों के नाली का कीट भी यदि मुझे बना दोगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे ब्रह्मादि शरीरों में ब्रह्मादि लोक मुझे मत देना, अपने भक्तों के नाली का कीड़ा बना देना, ऐसी कामना करते। तो ऐसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग भी भक्तों के नाली के कीट बनना चाहे, क्या पता कौन सा नाली का कीट बन करके आपके घर आंगन दरवाजे में आके पड़ा है, उसका भी अधिकार है, आप पर हक है, उसको उसका हक नहीं लेना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। इसलिए और ये जो सूत्र है वो मेडिकल का सूत्र है, सुश्रुत और चरक, ये स्वास्थ्य के सूत्रकार हैं, ये कह रहे हैं ग्रास शेषम न चाशनीया, अंतिम ग्रास जो थाली में है, और भी अनेक कारण है, उसमें व्याधियां भी होती हैं, ध्यान देना, थाली का जो अंतिम ग्रास है उसमें व्याधियां होने की संभावना होती है, क्योंकि उसे जब समेटोगे आप तो अनेक तरह के जो कीट हैं बहुत अत्यंत सूक्ष्म है, उनके साथ उनका लेयर परत बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए और अधिक का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अस्त तुम्हें अधिक क्या कहूं, राजा युधिष्ठिर का राज्य
धर्म पूर्वक चल रहा है। सारी प्रजा सुखी है, समय पर फल फलते हैं, औषधियां अपने सत्व में प्रतिष्ठित है, औषधियों का बल बढ़ रहा है, सभी ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और जाती हैं, न अतिवृष्टि है न अनावृष्टि है। प्रजा के मन का संकल्प प्रकृति समझने वाली है, और जब प्रजा कहती है कि अय बादल जलम देहि, तो बादल आकर के बरस जाते हैं। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुधः, फलन्त्यौषधयः सर्वा कामं मन्ऋतु तस्य वै। जैसी कामना प्रजा करती वैसी प्रकृति उन्हें प्रदान करती फल। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुस्य प्रियकाम्यया। द्वारिका की याद पुनः भगवान श्री कृष्ण को आ गए कुछ दिनों तक। पुनः सगे संबंधियों की प्रार्थना सुन ठहर गए। पुनः द्वारिका का स्मरण होने लगा। अवांतर कथा है, उस समय द्विविद आकर के अपने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला द्विविद अपनी भुजाओं से मैं द्वारिका को डुबो करके समुद्र में विलीन कर दूं संकल्प किया है। भगवान कृष्ण की बाई आंखें बाया अंग फड़कने लगा। भैया युधिष्ठिर से कहते हैं अब मुझे मत रोको, लगता है अवश्य द्वारिका में कोई अपशकुन हो रहा है, मुझे द्वारिका पर विपत्ति लगता है आने वाली है। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युत्सुर गौतमो यमौ, नसे हिरे विमुह्यन्त विरहं सार्गधन्वनः। कृष्ण का इतना कहना कि अब मैं जाऊंगा, नसे हिरे विमुह्यन्त विरहं सार्गधन्वनः। सुनते ही हृदय निचोड़ने लगा, अब कृष्ण चले जाएंगे। रथ तैयार बड़ी जल्दी में है, सात्यकी उद्धव तत्पर हो गए। अर्जुन से युधिष्ठिर ने कहा श्वेत छत्र मेरा लेकर चलो, गांडीव और तुणीर संभाल करके चलना अर्जुन, मार्ग में कहीं कोई ऐसा दुष्ट राजा उपद्रव न करे, सावधान होकर के कृष्ण को द्वारिका तक लेकर के जाना। कृष्ण स्वतः सामर्थ्यवान है, लेकिन भक्त जब प्रेम करता है तो अपने स्वामी में माधुर्य सौंदर्य इत्यादि गुणों का ही दर्शन कर पाता है। प्रेम ऐश्वर्य को नहीं देखने देता, प्रेम अपने प्रेमास्पद में माधुर्य देखता है, सौंदर्य देखता है, कहीं कुछ हो न जाए ऐसी कामना नहीं करता, भावना उसके मन में आती है। यदि भगवान कहे जरूरत नहीं, देखो मेरे पास चक्र है, क्या कर लिया था दुर्योधन ने शिशुपाल ने, ये चक्र काफी है, मुझे जाने दो। कहा नहीं, आपके चक्र का मंगल हो, ये शंख है फूंकते ही बजाते ही द्रोहियों का हृदय बदर हो जाए। भैया युधिष्ठिर चिंता मत करो, कहा नहीं आपके शंख का मंगल हो, हाय 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 कहीं कुछ हो ना जाए।
तव शंखस्य मंगलम तव चक्रस्य मंगलम तव कटकयोर मंगलम। सबका मंगल मनाता है भक्त युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज है। फिर भी अपनी भक्ति से पराभक्ति से वो तप्रोत होकर के अर्जुन को साथ कर देते हैं भगवान कृष्ण। चलते चलते सबने दर्शन किया है, पुष्प वर्षण किया है और आंख में अश्रु लेकर के भगवान श्री कृष्ण वो अपने अपने द्वार से सबने विदा दी है। मृदंग शंख वीर्यस्य वीणा पड़म गोमुखा दंधोर्यानक घंटाद्या नेदु दुन्दुभयस्तथा। मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे से कहते हैं मंगल गान करो। इधर अस्तिनापुर में भी मंगल मनाया जा रहा है। गुप्तचरों के द्वारा द्वारिका में भी सूचना प्राप्त हो गई, द्वारिका नाथ पधार रहे हैं। द्वारिका में भी मंगल कलश चहु और मंगल मनाया जा रहा है। बितान चतुर चौराहे सब स्वच्छ किए जा रहे हैं, सुंदर सुगंधित द्रव्यों से युक्त किया जा रहा है। आल वाल थाल सर्वत्र अनेक तरह के तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का मंगल मनाने के लिए। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, नटमागत बंदीगणों को बुलाकर सबके द्वारा मंगल गान मंगल ध्वनि मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवार सब ही धरे सजी निज निज द्वार। इधर द्वारिका में और कोई मंगल गावो रे, हेरी सखी मंगल गौरी हर दियम भर सजौरी, हेरी सखी मंगल गौरी हर दियम भर सजौरी। आज उत जेगी पिय की सवारी, आज सब
मधुपति ही पति उद्धव सात्यके शैव व्यजने परमाद्भुते। जगह जगह कृष्ण जिस मार्ग से आ रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है, मंगल गान हो रहे हैं, मार्ग में आनंद छा गया है, अनेक अमल विमल जन कृष्ण दर्शनार्थ मार्ग में आते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अपनी अपनी उपासना अपनी अपनी भावना के अनुकूल, अपने अपने ज्ञान के अनुकूल सब कृष्ण के रूप स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान योगियों का दल समूह मार्ग में खड़ा कृष्ण आगमन की प्रतीक्षा में जब दर्शन प्राप्त हुआ तो परस्पर आपस में कह रहे हैं ज्ञान योगियों का संवाद, सभी जानते हो ये कौन है, पा कौन है बाबा, जरट से वृद्ध से बालक तक ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले पता है, सवई किलायम पुरुषः पुरातनम जय कयासी दविशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनि स्वरे निमीलितात्मन निसिसुप्त शक्तिसु। ये वही है जो आदि पुरुष परमात्मा पुरातन पुरुष सारे जगत को अपने पेट में खा पचा करके सहन कर जाते, जो अंत में वही एकमात्र शेष रह जाते, तमह परे वासुदेवे एकी भवत तमरूप परमात्मा में ये सारा जीव जगत मिलकर के एक जिसमें हो जाता है, ये वही दिव्य मंगलमय रूप धारण कर आज हम लोगों की आंखों के सामने रथ पर बैठ करके चले जा रहे हैं, जिनमें सारी शक्तियां सुप्त हो जाती प्रलय काल में, ये वही है कोई और नहीं। और मैं अकेला बहुत बनूं तब अनेक बन जाते, जो अनेक भवन संकल्प करने का सामर्थ्य रखता वह जो पुरुष है वही रथ पर बैठ करके हम लोगों की आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। सयेव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वबीज वायाम प्रकृतिम शिशिरीक्षते। अपनी ही माया से
सृष्टि का विस्तार करने वाले, उन्हें सुप्त शक्तियों को पुनः जगाकर जो सृष्टि कर डालते हैं, देखते ही देखते एको हम बहुश्याम प्रजाय स अकामयत प्रजा सृजेत। छांदोग्य कहता स अकामयत, उसने कामना की, बिना कामना के सृष्टि नहीं हो सकती। अतः परमात्मा भी सबसे पहले कामना ही करता है। काम्यते असौ कामः, कामना करता है कि मैं एक से अनेक बनूंगा। और देखते ही देखते निजवीर्य चोदिताम, अपने ही शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अपनी ही प्रेरणा से अनंत सृष्टि का जो विस्तार कर डालता, वो कोई और नहीं, यही है जो रथ पर जा रहा है, जो कि प्रलय काल में अनाम रूप था, जिसने अपने संकल्प से नाम रूप का सर्जन कर दिया, वो कोई और नहीं, यही है। अनाम रूपात्मनि रूप नामनि, सारा जीव जगत नाम रूप से रहित, इन्होंने ही नाम रूप सबको प्रदान कर दिया, ये कोई और नहीं, वही है जिन्होंने नाम रूप प्रदान किया, यही जगत के स्वामी हैं, ईश हैं, जो अपने संकल्प से ही जगत में आकर धर्म की स्थापना करते हैं और सब कुछ करते हुए भी किसी में आसक्त नहीं होते हैं। सर्जन पालन और प्रलय करते हुए भी न तत्र सज्जते, तनिक भी उनकी उसमें आसक्ति नहीं होती, आबद्ध नहीं होती। जब जब धर्म अधर्म बढ़ जाता है, तब तब इनका आगमन होता है। यदाश धर्मेण तमो धियो नृपाः जीवन्ति तत्रैसि सत्ततः किल। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब उन सब का समन करने के लिए धत्ते भगम सत्यव्रतम दयाब्जसु शरीर परिग्रह करते हैं, स्वतः दिव्य मंगलमय रूप धारण करके और जगत में ऐश्वर्य का विस्तार करते हैं। जुग जुग में ऐसा कार्य करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। द्वापर अरुकली के संधि में आए हुए परमात्मा श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार धारण करके रथ पर बैठे हुए जो चले जा रहे हैं, ये कार्य ये बार बार करते हैं। धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम जसो भवाय रूपाणि दधत जुगे जुगे। धन्य है वे लोग जहां पर इन्होंने अवतार लेकर अपनी लीला का विस्तार किया है। धन्य है वह कुल जिस कुल में इन्होंने अवतार लिया। धन्य है वे सगे संबंधी जिनके ये सगे संबंधी बन करके जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आए। अहो अलम श्लाघ्यतमम जदुह कुलम। वह जदकुल धन्य है, वह मधुबन भी धन्य है जहां पर अपने चरणों से चंक्रमण करते हुए अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं। काश हमें भी यह सुअवसर प्राप्त होता। ये भक्त योगी है। जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियापति स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचति। धन्य है वह कुशस्थली, कितनी पुण्यशालिनी है जो हस्तिनापुर से चल करके प्रभास होते हुए द्वारिका की ओर जा रहे हैं। धन्य है वह भूमि जहां जाने के लिए इनका भी चित्त आकुल रहता है। हम तो केवल नित्य इनके अनुग्रह को ही प्राप्त कर ले, ये एक बार केवल हमारी ओर मुस्कुराते हुए देख ले, ये जिसकी ओर देख ले उसी जीव का जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार मार्ग में अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने अपने बोध के अनुसार भगवान कृष्ण के रूप स्वरूप का वर्णन जनमत जन जन रहा है।
एवं विधा गदंतीना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के रूप स्वरूप दिव्य मंगलमय विग्रह का वर्णन करते हुए लोग आनंदित हो रहे हैं। इसी वातावरण में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं। पहले से ही सांब इत्यादि, प्रद्युम्न सांब इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की सारी तैयारियों में तल्लीन। सबसे आगे जिन्हें गोप्रिय है, गोवंश गायें लेकर के नगर द्वार तक आए हैं, बछड़े रिभा रहे हैं, गायें दौड़ रही हैं, अपने थनों से हर 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 दुग्ध की धारा बहा रही है, वात्सल्य इतना उमड़ा है। गायें भी मुख उठाकर मानो आज में कोई मेरा प्रिय आ रहा है। गायें रिभाते, बछड़े हम्मा 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 करके पुकार रहे हैं। एवं विधा गदंतीना अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीताय मधुद्विषः अथ दुरागतान् सवरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य गूढं दृढं स्निग्धान् प्रयात् स्वनगरीं प्रियै। उधर हस्तिनापुरवासी जो पहुंचाने के लिए निकले थे भगवान श्री कृष्ण के विरह में, लौट गए कुछ दूर आकर। इधर द्वारिका नगर निवासी नगर से बाहर निकल आए कृष्ण स्वागत में। तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतर्हणः सायं भेजे दिसंपश्चाद् गविष्ठोगां गतस्तदा। देखते ही देखते सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण द्वारिका के निकट चले आए। तमोपसृत्य निनदम जगत भय भयावहम् प्रत्योद्ययुः प्रजाः सर्वाः भरतुर्दर्शन लालसा। कोई नहीं चाहता कि द्वारिका के भीतर है, सब भाग रहे हैं बाहर की ओर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की घर घर द्वार द्वार सजा हुआ है। द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षत फलक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैः बलिभिः धूपदीपकैः। धूपदीप अपने अपने द्वार पर मंगल द्रव्य सजाकर द्वारिका निवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब किस मार्ग से गुजरेंगे, क्योंकि आज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी बहुत दिनों के बाद जो आए हैं। इसलिए प्रत्येक द्वारिका के नगर वीथियों की ओर भगवान श्री कृष्ण का की ये सवारी निकलेगी। सभी अपने अपने द्वार पर दर्शन महोत्सव मनाएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, उपहार समर्पित करेंगे, चरणों में नमन करेंगे। जो जैसा है वैसा शिष्टाचार का पालन करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
बुलाना है तो दोनों हाथ उठाते हुए ठाकुर जी को बुलाइए। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरदार आए। बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए। दुल्हन से मेरे सरकार आए, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए। अपने लाला को मरिया मेरी आंखें देख कर, अपने लाला को देख कर, अपने लाला को मैया निहार रही है। जय हो देव की। बाबा वसुदेव बेटा कन्हैया मेरा कृष्ण आ गया, बिल्कुल भागते हैं कन्हाई कृष्ण है। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने लाला को मरिया, मेरी आंखें देख कर अपने लाला को देख कर, अपने लाला को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। उठाइए दोनों हाथ, मेरे सरकार आए। Yeah.
दुल्हन से मेरे सरकार आए बने कुटिया से दुल्हन से मेरे सरकार द्वारिका में अनेक विध स्वागत भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम की बाढ़ ऐसी आई कृष्ण ने विचार किया कैसे सबसे मिलूं एक से अनेक बन गए अमित रूप प्रकटे ते ही काला सब नहीं मिले कृपाला अमित रूप धारण करते हैं एको हम बहुश्याम एक ही काल में एक ही समय में किसी ने ये नहीं परखा देखा सबने यही देखा कि सबसे पहले कृष्ण हम ही से गले लग रहे हैं हम ही को चरणों में प्रणाम कर रहे हैं मुझे ही आंखों में आंखें डालकर प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं मुझे ही छाती से पकड़ करके लगा रहे सबने यही अनुभव किया सबसे पहले मुझे अहम पूर्वम सबसे पहले मैं वह सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रतिदान प्राप्त हुआ है देखते ही देखते अनेक रूप जो धारण किए थे धारण किए 16108 रानियों के घर में इन रानियों ने सोचा कि लगता है कि अपनी माता पिता से मिले बिना मेरे ही घर में घुसे चले आ रहे हैं क्या क्योंकि सबको यही लगा कि सबसे पहले मुझे ही मिले लेकिन इनके मन में भावना जग गई कि हाय 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 ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा ऐसे कृष्ण का ही बखान करते जो माता पिता से मिले बिना ही अपनी स्त्रियों के घर में घुसे पड़े चले आ रहे वेद व्यास ने कहा इनके नाम पर केवल 8 को छोड़कर 16,000 जो 100 हैं इनके नाम पर थू थू किया है बादरायण वेदव्यास ने कि हाय 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 परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को जान न सके हाय हाय छी 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 मैं निरे वाला मूढ़ा रे बाबा बादरायण ने गाली दिया है 16,100 रानियों को रे मूढ़ कृष्ण को नहीं पहचानती इनको अधिकार है बाबा हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि ये स्वतः ज्ञान कला के अवतार है इन्हें हस्ता मलकवत है बोध है भूत भविष्य वर्तमान भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण बोध है इन्हें इसलिए कहते हाय रे मूढ़ हाय रे मूर्खा तूने यही जानी कि कृष्ण स्त्रैण है स्त्री भक्त है स्त्री लंपट है अप्रमाण विदो भरतु ईश्वरम मतयो यथा जिस तरह भिन्न भिन्न प्रकार का सिद्धांत भगवत तत्व को ठीक ठीक जानने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं इतना सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी कृष्ण को नहीं पहचान सके हाय रे तेरी माया हाय रे मेरा कन्हैया अद्भुत है तेरी माया जिसे छाती से लगाया दिन रात जिन्हें सेवा का सुअवसर प्रदान किया ऐसी आपकी अर्धांगनियां भी आपकी पत्नियां भी आपके रूप स्वरूप को नहीं पहचान पाई किसे क्या कहूं दुविधा में पड़ गए बादरायण लेकिन
करते क्या, भगवान को तो कुछ कह सकते नहीं, तो जीवों पर कमजोर पर सबकी चल जाती है। बादरायण वेदव्यास को भी ये रानियां ही मिली थी कि कुछ कहें। हाँ, उन्हें तो कुछ कह सकते नहीं कि जिनकी माया से विमोहित होकर के बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानियों की बुद्धि भी विमुग्ध हो जाती है, तो इन रानियों की बुद्धि यदि विमुग्ध हो गई तो कौन सा आश्चर्य। सब ही सहायक सबल कहे, ये दुनिया में सभी सबल के ही की ही सहायता करने वाले लोग हैं। आज हम बादरायण वेदव्यास के पक्ष में खड़े नहीं हैं। हाँ, ये जो इन रानियों को इस तरह कह रहे मूढ़, मेरा हृदय कहता कि नहीं, ये भगवान की भुवन मोहिनी माया का प्रताप है। मैं रानियों के पक्ष में हूं क्योंकि मैं जीव हूं, मैं बादरायण नहीं हूं, मैं ज्ञान कला का अवतार नहीं हूं, इसलिए हम रानियों के पक्ष में रहेंगे। यदि किसी जीव ने इनकी माया से विमोहित होकर के ऐसा मान ही लिया तो ये आश्चर्य इनका नहीं, ये भगवान की भुवन मोहिनी माया कृताश्चर्य है। उनकी माया का यह प्रताप है कि दिन रात साथ रहने के बाद भी परतत्व परमात्मा श्री कृष्ण को ये रानियां तक नहीं जान पाए। अप्रमाण विदो भरतु ईश्वरम मतयो यथा। और अंत में कहा भी कि जिस तरह विविध प्रकार के सिद्धांत भगवत तत्व को निरूपित करने में अंततः अपने आप को अधूरा ही पाते हैं, ये यदि अधूरी हो गई तो कोई आश्चर्य क्या करना है। ये तो है ही मूढ़, अब इनकी मूढ़ता के कारण इससे अधिक मैं इन्हें क्या करूं, इससे ज्यादा कुछ कह सकता नहीं। कहा बाबा आप कहो, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, ये आपका सामर्थ्य है, आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी लेखनी से प्रकट श्रीमद् भागवती वार्ता कहने की व्यवस्था हमारी है इसलिए हम कह देते हैं, लेकिन मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। बात जो है सच्ची, हाँ वो कह देता हूं। अस्तु, भगवान कृष्ण का द्वारिका आगमन, इन्हें द्वारिका, अब मैं द्वारिका ही छोड़ रहा हूं, अब आप द्वारिका में रहें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, मध्य में कुछ एक कथानक, इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म, थोड़ा कथानक का स्पर्श करता हूं, व्याख्या पक्ष को संश्लिष्ट करते हुए, संश्लेष करते हुए समास रीति से। धम्याद ऋषिगण आते हैं, इनका जातकर्ण नामकरण संस्कार इत्यादि विप्रई धौम्य कृपादिभिः जातकम कार्यामास वाचयित्वा च मंगलम्। स्वस्ति वाचन करके जातकर्ण संस्कार नालोच्छेदन आदि आदि देखते ही देखते परीक्षित, घटना यद्यपि इस द्वारिका गमन से पहले की है लेकिन वक्ता चूंकि एक है विवस्ता। परीक्षित की कुंडली देखकर ऋषि धौम्य ही पांडव भरत वंश के दीक्षाचार्य है, कृपाचार्य पुरोहित है, ध्यान देना, कृपाचार्य पुरोहित है, पौरोहित्य कर्म कृपाचार्य का है, और ऋषि धौम्य औपनिषद ऋषि हैं, जिनके आश्रम में कभी आरुणी नामक शिष्य रहा करते थे, ये वही आरुणी के गुरु धौम्य हैं, जो कि भरत वंश के दीक्षाचार्य है, पंच संस्कार करने वाले आचार्य धौम्य है,
जिनके द्वारा पांडवों को पंच संस्कार प्राप्त हुआ है, तापह पुनरस तथा नाम। ताप संस्कार, ऊर्ध्व पुनर संस्कार, नाम संस्कार, मंत्र संस्कार और याग। पुनः अमी पंचैव संस्कारः परमय कांति हेतवे। ये पंच संस्कार जिन्हें प्राप्त होते हैं उनकी महिमा बड़े बड़े लोग गाते हैं, शिव सनकादि भी। तभी तो स्कंद पुराण में भगवती पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, धन्य है वे लोग जो पंच संस्कार से संस्कृत होकर के भगवान नारायण के विविध अवतारों की उपासना करते हैं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्रे, भगवान शिव का वचन है स्कंद पुराण का। जो अपने भुजा मूल पर शंख चक्र चक्रांकित होते हैं, अपने ललाट पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, ये वाल ललाट फलके लसदुर्ध्वपुंडम ते वैष्णवाः भुवन मासु पवित्रयन्ते। वे शीघ्र ही भुवन को पवित्र कर देते हैं जो पंच संस्कार संस्कृत होते हैं। यही कारण है कि हमारे आचार्य अस्मदाचार्य, जगदाचार्य, परमहंस परिव्राजकाचार्य, भगवत पाद रामानुजाचार्य सरणी शरण श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज इस क्षेत्र में उनका निरंतर चंक्रमण भ्रमण चातुर्मास यज्ञ जा जनादि कृत्य होते रहते थे। वे अपने निकट आए हुए भक्तों को पंच संस्कार संस्कृत किया करते थे और ये परंपरा कोई नई नहीं, साक्षात भगवान नारायण से ये परंपरा आरंभ हुई है पंच संस्कार की। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी को ये मंत्र प्रदान किया है। लक्ष्मी पुनः भगवान के चरण पादुका को जिनका नाम श्री षटकोप है, पुनः विश्वक्सेन भगवान को प्रदान करते। विश्वक्सेन भगवान जो भगवान नारायण के सेनापति है, पूज्य आचार्य चरण के द्वारा दी गई दीक्षा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत है। अनेक तरह के शास्त्र पाए जाते हैं, सामान्य और विशेष, इन दोनों के मध्य में विशेषतर विशेषतम। सामान्य शास्त्रों का आश्रय लेकर कुछ विद्या विदग्ध लोग अनेक तरह की बातें जगत में फैला रहे हैं। वह निश्चय ही यद्यपि शास्त्र सम्मत बातें भी सामान्य शास्त्र के अपेक्षा विशेष शास्त्र प्रबल होता है, विशेष शास्त्र भी विशेषतर शास्त्र के अपेक्षा विशेष शास्त्र भी निर्बल होता है, और विशेषतर शास्त्र भी विशेषतम जो शास्त्र है उसकी अपेक्षा निर्बल होता है। यद्यपि प्रत्येक कार्य के लिए शास्त्र प्रमाणवादी शास्त्र का ही शरण लेते हैं, लेकिन उन्हें विचार करना चाहिए कि यह सामान्य शास्त्र है या विशेष शास्त्र है। पुराणों में भी सभी पुराण सामान्य पुराण नहीं, सभी की समान गति नहीं, सभी की सामान्य विशेषताएं नहीं। कल कहा था 18 पुराणों में 6 तामस पुराण है। तामस पुराण में कही गई बातें काट्य है रजोगुणी पुराण की अपेक्षा। पुनः और इसके लिए प्रमाण स्वतः वेद व्यास ही ब्रह्म पुराण में अभिव्यक्त करते हैं। यह शास्त्रार्थ का विषय है बंधुओं, और खोलकर मैं इस बात को निवेदित करता हूं कि सामान्य शास्त्रों के पचड़े में
भारतीय प्रजा को डालना उचित नहीं है। केवल समान शास्त्रों का आश्रय लेकर के आप अच्छा है लेखन करें, प्रजा को शास्त्र परतंत्र बनावें, लेकिन विशेषतम शास्त्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और यदि आपको शास्त्रार्थ की आकांक्षा है तो आयोजित करें, हम आएंगे और विशेष शास्त्र को लेकर उपस्थित करेंगे। विशेषतम शास्त्रों की महिमा विशेषतम है। मैं इस प्रसार माध्यम के द्वारा देश के कोने कोने में समान शास्त्रों को लेकर अनेक तरह के दीक्षा के संबंध में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम का मैं अच्छी तरह खंडन करने के लिए तत्पर हूँ। शास्त्र प्रमाण के द्वारा ऐसे नहीं, ये कथा का मंच है, सामान्य लोग श्रवण करने के लिए आए हैं, सामान्य भाषा में मैं श्रवण करा रहा हूं। यदि आपकी जिह्वा में अधिक गुलबुली मच रही है, शास्त्र प्रमाणवादी है, तो हम स्वीकार करते हैं। अस्त और केवल हमसे तात्पर्य, मैंने हमसे तात्पर्य है, मेरी पूरी परंपरा स्वीकार करती है। भगवत पाद रामानुजाचार्य की संपूर्ण परंपरा, केवल उन्हीं की नहीं, सारे वैष्णव परंपरा स्वीकार करती है। आज विद्या विदग्ध कुछ लोग दीक्षा के संबंध में अनेक तरह के भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे स्वतः भ्रांत है। सामान्य शास्त्रों में तुम्हारी रुचि है, तुम उसका पालन करो, हमें क्या। लेकिन भगवत पाद रामानुजाचार्य, भगवत पाद शेषावतार रामानुजाचार्य की पदवी और उनकी सरणी निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और अद्यतन आचार्यों में रामानंदाचार्य इत्यादि की परंपरा में जो दीक्षा की परंपरा चलाई जा रही है, सामान्य शास्त्रों का आश्रय लेकर के इस तरह के भ्रांत्यात्मक बात यदि आप इस तरह करेंगे तो शास्त्रों के द्वारा ही आप खंडनीय होंगे। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। किसी सुअवसर को प्राप्त करके इस तरह आपके मन में प्रमाद नहीं होना चाहिए कि सामान्य शास्त्रों का आश्रय लेकर, विशेष शास्त्रों का आश्रय लेकर के जिन आचार्यों ने दीक्षा की परंपरा को अग्रसर किया है, ऐसे भगवतपाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि आचार्यों के पथ और सरणी को इस तरह सामान्य शास्त्रों को सामान्य लोगों के मध्य में अभिव्यक्त करके आप भ्रांति फैला रहे हैं। इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की प्रसार माध्यम से श्रवण करने वाले देश के कोने कोने ही नहीं, अनेक देश में लोग श्रवण कर रहे हैं और जिन्हें मैं संकेत कर रहा हूं आज नहीं तो कल सुन रहे होंगे। और मैं उन्हें सुनाने के लिए ही कह रहा हूं, हाँ सुनाने के लिए कह रहा हूं। सामान्य शास्त्रों को अभिव्यक्त करके विशेषतर और विशेषतम शास्त्रों, ये मत समझना कि विशेषतम और विशेषतर शास्त्रों को समझने वाले लोगों की कमी हो गई है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आज की प्रजा धर्म शिक्षा से वंचित हो गई। अब तो हमें मनोहर पाथी और हनुमान चालीसा सुनाना पड़ेगा। हम उन गहनतम शास्त्रों का शास्त्रार्थ करने के लिए मंच पर नहीं बैठे, उसके लिए तो आयोजन होगा। यहां तो जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति पुष्ट हो, अनुरति हो, अभिव्यक्ति हो, उनकी ओर प्रत्येक जीव अग्रसर हो, ये मत सोचना। हाँ अवश्य पुस्तकी भवति पंडितः, बहुत पुस्तकों का संचय किए हो, अच्छी बात है, इसके लिए हम आपकी श्लाघा करते हैं। और इस बात के लिए भी श्लाघा कर रहे हैं कि आप शास्त्रज्ञ मनीषियों को जगाने में श्रम करने हेतु उद्वेलित कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे।
कि आपके इस प्रकार के अभिवचन बहुत ही शास्त्र रक्षा में सहयोगी होंगे। एतदर्थ आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं। सामान्य शास्त्रों को रखेंगे तभी अनेक विद्वान श्रम करेंगे, अन्यथा शास्त्रों में श्रम करना अब बंद हो गया है। सब लोगों को पता चल गया कि बस दो चार कथा कहानी कह लिया सुन लिया, इसी पर काम चल ही जा रहा है, तो क्या शास्त्र श्रम करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, ऐसे मनीषा के प्रति आभार है कि आप इसके माध्यम से शास्त्रज्ञ मनीषियों को और अधिक सम करने हेतु उद्वेलित कर रहे हैं। अतः धन्यवाद साधुवाद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जातकम कारयामास परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। राजा युधिष्ठिर ने इनके मंगल के लिए अनेक मंगलाचरण किया। प्रादात स्वर्णम च विप्रेभ्यः। ज्ञानी विज्ञानी रसायनज्ञों को बुलाकर अनेक दान उपदान कर्म संपन्न किया। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान। किस प्रकार के रसायन को जानने वाले, कृष्ण रसायन का परिपाक करने वाले, परिवेषण करने वाले, राम रसायन का परिवेषण परिपाक करने वाले विप्रों को बुला करके उन्हें निश्चिंत कर दिया। अब आपको कुछ और खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करने की जरूरत नहीं, आपकी सारी वृत्ति राजा की ओर से आप रस रसायन का परिवेषण करते रहे। भगवत रसायन भागवत रसायन आनंद रस का परिवेषण भारतीय प्रजा के सम्मुख अभिव्यक्त करते रहे। आपको अपने जीने के लिए जीविका के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अनुसंधान में रस परिवेषण में लगे रहे, ऐसा राजा धर्मज्ञ युधिष्ठिर है। धम्म ने इनके संबंध में बहुत सी बातें की। अस्त धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पुनः देखो श्रीमद् भागवती कथा वार्ता काल का ध्यान नहीं रखती है। सुखदेव मुनि की समाधि प्रज्ञा में जो चरित्र चित्त में चित्रित हुआ उसे उद्घाटित कर दिए जाते हैं। पुनः वहां पहुंच गए कि महाभारत से पहले की घटना, विदुर तीर्थ यात्रा के लिए गए, लौट के आए, महाभारत का अंत हुआ, लौट के आए, भैया धृतराष्ट्र को समझाए, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत, क्या कुत्ते की तरह भीम के द्वारा दी गई थाली को खा रहे हो, गपा गप, शर्म नहीं आती, जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार डाला, चलो कहां चलो, भीम मुझे बहुत प्यार से खिलाता है विदुर। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। परम पूज्य स्वामी श्री शिव चैतन्य जी महाराज की अमृतमय वाणी में श्रीमद् भागवत महामहोत्सव दिनांक 9 से 15 नवंबर 2021 तक श्री कपासन माता मंदिर बाण गंगा धाम पोस्ट मैड विराट नगर जयपुर में। आयोजक दिल्ली निवासी नंदलाल रामजीलाल खंडेलवाल, गौरव खंडेलवाल, सौरभ खंडेलवाल।
9 नवंबर से 12 नवंबर 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, 13 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक, 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक तथा 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण सिर्फ सुभारती टीवी पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चून, पेट सफा हर रोग दफा। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। संवाद शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ देखना ना भूले, शनिवार रात्रि 10 से 10:30 तक, रविवार प्रातः 6:30 से 7 बजे तक, सिर्फ सुभारती चैनल पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, 250 एकर्स कैंपस, 220 प्लस प्रोफेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, 20,000